वाओ एप्पलजैक, क्या सच में तुमने पहले कभी कोई कॉन्सर्ट मैनेज नहीं किया? वेल, अब समझ आया कि एक कॉन्सर्ट करना किसी रोडियो सेट करने जैसा है। और भला हो पिंकी के पोनी पलोजा रॉक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने वाले कनेक्शंस का। हमारे पास हेल्पिंग हूफ्स म्यूजिक फेस्टिवल के लिए लाइंस लग गई हैं। ट्वाइलाइट, एप्पलजैक, रेनबो डैश, रैरिटी, फ्लटरशाई, स्पाइक, पिंकी पाई। और रुको, वो तो मैं ही हूँ, एवरी पोनी। क्या बात है पिंकी? मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी खबर है और ये सुनकर तुम सब पागल हो जाओगी। Well, बता भी दो पिंकी। ये आसान नहीं था, इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पर तुम्हें पता है, मैंने हेल्पिंग हूव्स म्यूजिक फेस्टिवल के मेन अट्रैक्शन के लिए इक्वेस्ट्रिया की सबसे बड़ी पोनी पॉप स्टार को बुक कर लिया है। सफायर शोर्स? सफायर शोर्स, प्लीज। सफायर शोर्स तो बस इक्वेस्ट्रिया की सेकंड सबसे बड़ी पोनी पॉप स्टार है। मैंने बुक किया है द वन एंड ओनली काउंटेस कोलरा टूरा को। वाओ, अब कौन है ये काउंटेस कोलरा टूरा? मेरा दिमाग जम गया है। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। पिंकी पाई, आखिर ये काउंटेस कोलरा टूरा पोनी कौन है? मैंने अभी अभी तो तुम्हें बताया कि वो इक्वेस्ट्रिया की सबसे बड़ी पोनी पॉप स्टार है। कैसे 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 तुमने उसके बारे में कभी नहीं सुना? पता नहीं, हालांकि मैं कोलरा टूरा नाम की किसी को जानती थी जबकि मैं फिली थी। ये कितनी अजीब बात होगी ना अगर वो कोलरा टूरा और ये कोलरा टूरा दोनों एक ही निकली तो। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम दरअसल काउंटेस कोलरा टूरा को जानती हो? वेल, मुझे नहीं लगता कि ये एक ही पोनी है क्योंकि मेरी दोस्त कोई नखरेबाज काउंटेस नहीं थी। क्या तुम्हें उसका क्यूटी मार्क याद है? बिल्कुल, वो कुछ बहुत ही कलरफुल म्यूजिकल नोट्स थे जो रोशनी में चमकते थे। तुम्हारा मतलब कुछ इस तरह का? वेल, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वही क्यूटी मार्क है। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है उस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करवाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े? बहुत सारे पापड़। वो पोनी बहुत ही ज्यादा नचड़ी है। हाँ, मैं ये बात समझ सकती हूँ। हम आर्टिस्ट्स को अपना काम अच्छे से करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती ही है। तुम लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है क्योंकि रारा बिल्कुल मेरी ही तरह साफ दिल की थी। रारा, यहाँ तक कि वो बड़ा सा नाम भी उसके लिए बहुत फैंसी था, इसीलिए मैंने कोलरा टूरा को छोटा करके रारा बना दिया था। हमने एक साथ कैंप फ्रेंडशिप में बहुत अच्छा वक्त बिताया। रारा बहुत ही सीधी थी, हम दोनों जैसे एक ही डाल के दो एप्पल्स थे। रारा और मैंने कैंप के टैलेंट शो के लिए एक गाना तैयार किया था। जब हमने परफॉर्म किया तो जैसे वो कोई और ही बन गई थी। उसके जैसी रंगीन, प्यारी और क्लियर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। बाद हमने एक दूसरे को खत लिखे लेकिन फिर वो भी बंद हो गया। पर रारा हमेशा से मैनहट्टन जाकर नाम कमाना चाहती थी, पर एक नकचड़ी दीवा। तुम बस इंतजार करो पिंकी, जब रारा यहाँ पहुँचेगी तुम देखना, वो भी एक सीधी सादी पोनी है बिल्कुल मेरी तरह। मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो आ गई। वाकई? काउंटेस कोलरा टूरा,
रास्ते से हट जाओ, पीछे रहो, अपने हूव्स और टेल्स अपने तक ही रखो। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। हाय, मुझे पहचाना? हम कैंप फ्रेंडशिप में मिले थे, मैंने तुम्हें निकनेम दिया था रारा। एजे, तुम यहाँ? हाँ, तुम कैसी हो रारा? हूव्सीज। ओह, तुम्हें काउंटेस कोलोराटूरा से हूव्सीज मिला, देखो। ओह, उसे वाकई लगता है कि तुम स्पेशल हो। हूव्सीज, हूव्सीज, हूव्सीज। हाँ, वाकई स्पेशल। अब इसे कहते हैं एंट्रेंस, बिग, बोल्ड और बहुत ही शानदार। हालांकि इसका मजा थोड़ा सा खराब हो गया था जब तुम उस धूल भरी फार्म पोनी से बातें करने लग गई थी। क्या तुम उसे वाकई जानती हो? ओह हाँ, वो मेरी बचपन की फिली दोस्त एजे है और उसी ने मुझे रारा बुलाना शुरू किया था। ओह हाँ, कितना क्यूट और कॉमन है। बेशक वो मैं ही था जिसने तुम्हें नाम दिया काउंटेस। और जरा देखो, उसके बाद पूरा इक्वेस्ट्रिया तुम्हें जानने लगा है ना? तुम्हें वो सब मिला जो तुम चाहती थी। इससे याद आया कि वो पिंक पोनी कहाँ है? ओह, मैं ही पोनी पिंकी पाई हूँ मिस्टर मैनेजर सर। क्या तुम वो रेनबो फॉल्स का इम्पोर्टेड पानी लाई हो जो तुमसे मंगवाया गया था? मेरे पास 20 ग्लास कंटेनर्स है ठीक यहाँ पर। क्या मैंने तुम्हें काउंटेस कोलोराटूरा के सारे बेवरेजेस के साथ स्ट्रॉज लगाने के लिए नहीं कहा था? मुझे नहीं लगता, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे पास इक्वेस्ट्रिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉ कलेक्शन है। मैंने स्ट्रॉ का नाम रखा है फर्नांडो। चलो पता कर लेते हैं कि क्या तुमने वो सारी चीजें मंगवा रखी हैं जो काउंटेस कोलोराटूरा को अपने रन थ्रू परफॉर्म करने से पहले चाहिए। क्या कहती हो? हाँ जरूर। फ्लोरल अरेंजमेंट्स, रॉयल कैंटलॉट गार्डन से गुस्टाव लग्रांड की बनाई चॉकलेट इक्लेयर्स, क्रिस्टल एम्पायर की चुनिंदा क्रिस्टल्स, चेरी जुबली के फार्म की फ्रेश चेरीज, लाल और पीली अलग अलग। हाँ बिल्कुल। वेल, किसी चमत्कार से तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट पूरी हो गई हैं। तो चलो अब चलते हैं रिहर्सल की ओर। देखा अपजैक, नक चढ़ी। पिंकी सही कह रही है रैरिटी, जिस रारा को मैं जानती थी वो किसी नकाब के पीछे छुपकर नकली स्टैम्प किसेस नहीं देती थी, ना ही वो इम्पोर्टेड पानी पीती थी, ना ही अलग अलग की हुई चेरीज। ओह, मैं समझ सकती हूँ, कभी कभी अपने दोस्तों को ऐसे बदलते हुए देखकर बुरा लगता है। वो कोई और ही पोनी बन गई है। यकीन मानो, एक बार जब तुम काउंटेस कोलाटोरा को परफॉर्म करते हुए देख लोगी तुम्हें भी भरोसा हो जाएगा। टाइम है मस्ती का, शुरू होगा शो, यहाँ चमके लाइट्स और रंग भी हो। मैं हूँ एक खास पोनी, पता है तुम्हें, चलो हम सब मिलके मस्ती करें। डैजल डैजल नाचेंगे हम, क्योंकि शो में आज होगा दम। डैजल डैजल नाचेंगे हम, क्योंकि शो में आज होगा दम। मचाओ शोर आज सब मिलके, दोस्त हैं मौका भी शुरू करें। ओ हो, ओ ओ डैजल डैजल नाचेंगे हम, क्योंकि शो में आज होगा दम। मैं ही हूँ बॉस, करूँ इम्प्रेस, मैं ही खास पोनी, मैं हूँ काउंटेस। रैरिटी सही कह रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओ मेरी शाइनिंग स्टार, थैंक्स टू चमकदार कॉस्ट्यूम्स, शानदार कोरियोग्राफी और लाजवाब वोकल इफेक्ट्स जिन्हें मैंने डिजाइन किया था, तुम्हारी परफॉर्मेंस जोरदार थी काउंटेस कोलोराटूरा। थैंक यू स्वेंगला। अगर मैं गलत हूँ तो बताना, पर वो शख्स रारा की तारीफ नहीं कर रहा है ना? वो उन तामझाम की तारीफ कर रहा है जो उसने चिपकाए हैं उसे काउंटेस कोलोराटूरा बनाने के लिए। ओह नहीं 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 नहीं, तुम समझ नहीं पा रही हो, एप्पलजैक की सारी इंतजाम करने में बहुत मेहनत लगती है और इन सब के बिना काउंटेस कोलोराटूरा की परफॉर्मेंस जैसे कुछ भी नहीं। अगर मेरी मानो तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओह, अगर यहाँ हमारा काम हो गया है तो मैं अपने ट्रेलर में जाकर कुछ देर आराम करना चाहूँगी। दरअसल इस वक्त तुम्हारी
शेड्यूल्ड है स्कूल पोनीज के साथ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल पोनीज की मीटिंग से निकाल सकता हूँ काउंटेस। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी इवेंट का मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा होता है स्कूल पोनीज से मिलना। स्कूल पोनीज ये जानकर बहुत खुश होंगी रारा। पोनीवल स्कूल पोनीज हेल्पिंग हूव्स म्यूजिकल फेस्टिवल का हिस्सा होने के नाते मैं एक कॉन्टेस्ट रख रही हूँ जिसमें तुम में से कुछ को मेरे साथ स्टेज पर गाने का मौका मिलेगा कल के कॉन्सर्ट में। मजेदार है ना? ठीक है, अब किसे चाहिए और हूव्सीज? अब ये वो डारा थी जो मुझे याद है। पर मैं वो सब ले आई जो तुमने मंगवाया था। वो सब काउंटेस को लटूरा के लिए था और ये मेरे लिए है। और मुझे चाहिए प्रीमियम ओट्स। वेल, हमारे पास यहाँ पोनीवेल में कई सारे टेस्टी ओट्स हैं। ये तो मैं किसी चिकन को भी ना खिलाऊं। मुझे चाहिए टॉप ऑफ द लाइन एप्पल लूसन ओट्स। नेक्स्ट, मैं देख रहा हूँ कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे एप्पल ट्रीज हैं। मेरे लिए 500 छिले हुए बिना बीज वाले एप्पल्स लेकर आओ और वो भी 24 घंटे के भीतर। पर ये तो नामुमकिन है। क्या तुम चाहती हो कि मैं काउंटेस कोलराटूरा को तुम्हारे इस बकवास चैरिटी शो से निकलवा दूं? और मैं ऐसा ही करूंगा। एप्पलजैक, स्विन गैलप ने ये नहीं मांगी रखी है और इसने कहा कि अगर लिया पिंकी, पर तुम घबराओ मत, मैं अभी जाकर रारा से बात करके सब ठीक कर दूंगी। क्या तुमने देखा सिस? क्या तुमने देखा? क्या वो यही छोटी बहन है जिसके बारे में तुम मुझे लिखा करती थी अजय? एक मिनट एप्पलजैक, तुमने काउंटेस कोलराटूरा को लिखा मेरे बारे में? एजे ने लिखा था कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी छोटी बहन हो एप्पल ब्लू। अब ठीक है, तुम नन्नी पोनीज अब यहाँ से जाओ। वेल रारा, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मैनेजर के बारे में कुछ बता सकती हूँ? जरूर, क्या बात है? वेल, जब तुम इन स्कूल पोनीज के साथ बातें कर रही थी, वो पिंकी पाई के सामने कुछ बेतुकी मांगे रख रहा था। स्वयं गैलप मेरा मैनेजर होने के नाते बहुत मेहनत करता है एजे, इसीलिए हमारे बाहर आने पर अगर उसे कुछ चीजें चाहिए तो मुझे उसमें कोई खराबी नहीं दिखती। वेल, क्या तुम्हें इसमें खराबी नहीं दिखती कि उसने पिंकी पाई से कहा अगर वो सारी चीजें कल तक नहीं ले आए तो वो तुम्हें चैरिटी फेस्टिवल से निकाल लेगा? क्या? पर वो जानता है कि चैरिटी मेरे लिए कितनी खास है और फेस्टिवल को बीच में छोड़ना इमेज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि स्वयं गैलप को तुम्हारी चैरिटी वर्क की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सच नहीं है। स्वयं गैलप ने मेरे सारे कामों में मेरा बहुत साथ दिया है और तुम ये सब जलन में कह रही हो। जलन किससे? एक पोनी जो इतने मोटे नकाब के पीछे छिपी है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि एक पोनी उसका इस्तेमाल कर रही है। मुझे इस बात से बिल्कुल जलन नहीं है रारा। देखो, मैं रारा नहीं हूँ, मैं काउंटेस कोलराटूरा हूँ। और माना कि बचपन में हम दोस्त हुआ करते थे, पर अब जाहिर है कि हम कब के अलग अलग रास्तों पर निकल चुके हैं। बिल्कुल भी सही नहीं है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है और उसे दिखाई भी नहीं दे रहा। बातें कम, काम ज्यादा। सॉरी पिंकी, पर मैं उस बदमाश स्वयं गैलप को अपनी दोस्त का इस तरह से फायदा उठाने नहीं दे सकती। काउंटेस कोलराटूरा। वाओ एजे, तुमने मेरा असली नाम लिया। मैंने तुम्हारा नया नाम लिया है, पर मैंने तुम्हारा असली रूप देखा जब तुम उन स्कूल पोनी से कल बात कर रही थी। और मैं एक ऐसे पोनी को जानती हूँ जो ये चाहेगी कि तुम ये छोटे इवेंट्स करना बंद कर दो। ओह, ये फिर से नहीं। कम ऑन नाउ, तुम्हें मुझे एक मौका देना होगा मेरी सच्चाई साबित करने के लिए। और जरा बताना कि ये तुम कैसे करोगी? जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करना। हम देखेंगे कि क्या स्वयं गैलप वाकई तुम्हारी भलाई चाहता है। स्वेंगालप, स्वेंगालप, तुम कहाँ हो स्वेंगालप? यहाँ हूँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मैं सोच रही थी वो स्कूल पोनीज के साथ मेरे कॉन्टेस्ट को कैंसिल करने के बारे में। काउंटेस, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम ये कॉन्टेस्ट कैंसिल कर दो। तुम इंतजार कर रहे थे? तुम ये हर चैरिटी इवेंट में करती हो और इससे तुम्हारी काउंटेस कोलराटूरा वाली इमेज खराब होती है जिसे मैंने बनाया है। अब तो समझो कि ये कैंसिल हो ही गया। पिंकी पाई। स्विन गैलप सर, हम शो में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ आओ। फिर
फिलीज के साथ वो कॉन्टेस्ट कैंसिल कर दो और मेरे लिए एक स्पा ट्रीटमेंट का इंतजाम करो, क्योंकि अब रिहर्सल नहीं करनी है और मेरे पास खाली टाइम नहीं है। पता है ना क्या करना है? डिलीवर, नहीं तो डिवा तुम्हारी बकवास चैरिटी छोड़कर चली जाएगी। ओके काउंटेस कॉलरा ट्यूरा, मैंने सब संभाल लिया है। पता है ना क्या करना है? डिलीवर, नहीं तो डिवा तुम्हारी बकवास चैरिटी छोड़कर चली जाएगी। तो तुम इस तरह से सब कुछ संभाल रहे थे? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, उन्हें डराकर वो करवा रहे हो जो तुम चाहते पर हो। पर मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। पर इसलिए नहीं कि तुम पोनीस को धमका सको कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं उनकी चैरिटी इवेंट में परफॉर्म नहीं करूंगी। मैं अपने फैंस के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, और इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं स्कूल पोनीस कॉन्टेस्ट कभी कैंसिल नहीं करूंगी। ये सब चैरिटी और स्कूल पोनी कॉन्टेस्ट वगैरह सब नॉनसेंस उस बोरिंग रारा की बातें हैं जिससे मैं मैनहट्टन में मिला था। तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानते। ये अच्छा मजाक था, मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है, तुम मेरे बिना आखिर हो ही क्या। गुड लक काउंटेस कॉलरा ट्यूरा, अब मैं जा रहा हूँ। ओ रारा, मुझे माफ करना, क्या तुम आज रात का कॉन्सर्ट कर पाओगी? बिल्कुल, आखिरकार द शो मस्ट गो ऑन। ओह माय गॉश रैरिटी, स्वयं गैलप सही था, ये कॉन्सर्ट बर्बाद होने वाला है, सब बेकार जाने वाला है। क्या तुम हमें एक मिनट दे सकती हो रैरिटी? जरूर। अब बताओ सब बर्बाद क्यों होने वाला है? क्योंकि स्वयं गैलप हर एक चीज का इंचार्ज था, लाइट्स, विजुअल, साउंड्स, स्वयं गैलप के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सुनो सुनो, इतनी सी बात पर खुद को परेशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्वयं गैलप ने तुम्हें काउंटेस कॉलरा ट्यूरा में बदल दिया था, और वो तुम्हारा दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहा था ताकि वो सारे फायदे उठा पाए जो कि एक स्टार होने पर मिलते हैं। पर दोस्ती का असली फायदा है अपने दोस्त के असली रूप को पहचानना। और रारा, जब तुम एक आम रारा होती हो, तुम वो सबसे ज्यादा चमकती सितारा होती हो जो मैंने आज तक नहीं देखा। गुड इवनिंग एवरी पोनी, हेल्पिंग हूव्स म्यूजिक फेस्टिवल की ओपनिंग नाइट में आप सबका स्वागत है। मुझे खुशी हो रही है आप सबके सामने सबसे बड़ा एक्ट लाते हुए, जो है काउंटेस कॉलरा ट्यूरा। ये गाना जाना पहचाना होगा, पर फिर भी ये बहुत अलग है, बिल्कुल मेरी तरह रारा। मैं बताऊंगी तुम्हें कौन हूं मैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है बस ग्लैमर के पीछे नहीं भागती वो, और अब मेरी किस्मत साथ है, वही किया जो मैंने देखा और वही सब कुछ बदल गया, मुझे पता चला कि मैं हूँ।
जब मैं हेल्पिंग हूव्स म्यूजिक फेस्टिवल में आई थी तो मैं सच में भूल गई थी कि असल में मैं कौन हूँ। पर फिर एक पुरानी दोस्त ने मुझे याद दिलाया कि दोस्ती के असली मायने क्या होते हैं, और उसने मुझे बताया कि अगर मैं खुद से सच्ची हूँ तो मैं कभी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे पास उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। एप्पल ब्लूम, स्वीटी बेल, स्कूटलो, आ जाओ। इक्वेस्ट्रिया से प्यार मुझे, रहते हैं सब मिलजुल के, तिरंगा लहराता है यहाँ सबके लिए। इक्वेस्ट्रिया सबसे है बढ़िया और सबको आजाद।